और यहाँ पर जो है ईद की वजह से काफ़ी रश है आपको पता है, तो हम लोग बैठे हुए अभी मीटिंग पर वेट कर रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट से हमें ऊपर हो चुका है और जो है अभी हम आई थिंक जो सीट हमें चाहिए वो अभी उस पर टाइम लग रहा है, उसके बाद जो है अभी हम अंदर जाते हैं। तो यहाँ देखें हमारे साथ आए हुए सारे लोग जो है वो वेट कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं वसीम। अस्सलाम ईद का सेकंड डे, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आप लोगों का दिन कैसे गुजर रहा है? व्यूअर्स पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से घर में तो मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई और गर्मी हो रही थी, इतना हॉट था तो बिल्कुल दिल नहीं किया। और फिर देर से सोकर उठे, पूरे रमज़ान नींद पूरी नहीं हुई थी, पूरी नींद करिए और मुझे इतनी मज़ेदार नींद आई है व्यूअर्स, क्योंकि वसीम घर में थे, मैं पुरसकून होकर सोई हूँ। तो जी अब जो है ईद पे जो है हमने नींद पूरी करी और मैंने एक स्टेटस आया हुआ था उसमें लिखा था कि नींद फितर पूरे मुल्क पे जो है वो भरपूर तरीके से मनाई गई। तो हकीकत में कि लोग जो है वो ईद का दिन सोकर ही गुजारते हैं। रहे हैं अपनी सीट पर, तो जो है देखते हैं हमारी सीट कौन सी मिली है हमें। फाइनली काफ़ी वेट करने के बाद जो है हमारा नंबर आ चुका है, हमें टेबल्स मिल गई हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको टेबल्स की लोकेशन। ईद सेकंड डे हमारा जो है वो पिज़्ज़ा मैक्स में गुजरेगा, तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वर्ल्ड का फाइनली हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर ली है क्योंकि टेबल के बीच में जो है वो गैप है, ये देखिए, तो इसलिए आधे लोग जो है वो वहाँ चले गए हमारे और आधे लोग जो हैं वो यहाँ आए। और अब हम करेंगे ऑर्डर, तो बस हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या करना है, क्या डील है इन लोगों की, तो चेक करते हैं। बस हम चेक करें और ये देखिए हफ्सा वहाँ बैठी हुई है। हफ्सा इतनी डल की हो रही हो अब, और हम सलाम करो। और हमारे साथ एक और ब्लॉगर आई हुई है, उन्होंने अपना मोबाइल ऑफ क्यों किया हुआ है? हाँ ब्लॉग नहीं बना रही। और ये देखें फातिमा भी हमारे साथ हैं। और ये जो है शर्म आ रही है, किससे शर्म आ रही है? हाँ और ये देखें ये वसीम यहाँ बैठे हुए हैं और ये बर्थडे बलून लगे हुए हैं। सोच रहे हम किसी की बर्थडे कर लेते हैं इस मंथ किसकी बर्थडे भाई? मैं में कोई है? अम्मी की एनिवर्सरी है ना। और ये देखिए ये हमारी टेबल है, मलाइका, तूबा, आमना, बर्थडे बलून। और वाइट एंड रेड कलर के जो है वो बलून्स लगे हुए हैं। और यहाँ अब पिज़्ज़ा खाने आए हैं तो ऑब्वियसली पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करेंगे, लेकिन पिज़्ज़ा में भी तो मतलब ऑप्शन होते हैं ना कि कौन सा पिज़्ज़ा किसको खाना है। अब जो है वो देखते हैं कौन सा पिज़्ज़ा खाएंगे, किसी को चिकन पज्जी का खाना है, किसी को चिकन टिक्का खाना है, किसी को चिकन अफगानी, किसी को क्रीमी सुपर मैक्स। और यहाँ पर जो है काफ़ी गीला गीला सा हुआ हुआ है ये कार्ड जो है, अभी देखते हैं इसको देखकर ऑर्डर करेंगे क्या है। वैसे तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं। सो व्यूअर्स आज हम दोनों जो हैं सेम, लेकिन ये मोबाइल में जो है वो कलर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन वैसे जो है बिल्कुल सेम कलर है। वॉच एंड शर्ट सेम। हाँ सेम टू सेम दिखाओ। रियली ये इत्तेफाक है ना। हाँ ये क्योंकि शर्ट पहले ली थी और ये रिस्ट वॉच बाद में ली है। ये नहीं समझा कि मैंने मैचिंग की। हाँ मैचिंग नहीं की भाई, हफ्सा ने, ये इत्तेफाक हो गया है। और ये रिंग देखी मेरी। और मैं अपनी रिंग्स भी पहनना भूल गया, मुझे कुछ याद ही नहीं दिलाया। तो वसीम ने भी याद नहीं दिलाया कि मैंने इयररिंग, और मैंने लिपस्टिक भी लगाना भूल गई थी जब मैं नीचे गई और तैयार होके, तो बच्चियाँ सारी कह रही हैं आपने लिपस्टिक नहीं लगाई, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो नीचे से ही लिपस्टिक ली एक बच्ची की, फिर मैंने लगा दिया। ये फोटो सेशन हो रहा है और यहाँ ये लोग जो है, क्या नाम है आपका? हम भूल गए आपका नाम। करीब भाई ना आइजिक, आइजिक हाँ तो बताएं। उसमें
तो हम माहिन से पूछते हैं, यहाँ पर बच्चे बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रही हैं आप हमारे साथ आके? मज़ा आ रहा है? तो कोई नहीं, नहीं क्योंकि हमारे सारे कजन से भाई कौन बोर हो सकता है। चले आप अपना सॉन्ग तो सुना दें ज़रा। इन ये सब व्यूवर्स यहाँ बैठे हुए हैं हमारे जो चैनल वाले लाइक करने वाले, जो आपका फेवरेट गाना है वो सुनाओ जल्दी से। ये जल्दी जल्दी आवाज़ ही नहीं आ रही। ये कौन सा गाना है जो आप भी गा रहे हो, आप सुन रहे हो? ये देखें ये लोग सो रहे हैं ऑर्डर करके, जो है इनका ऑर्डर में इतना टाइम लग रहा है। ये देखें ये देखिए ना पाक सर ज़मीन, आपको आते हैं? आपको आते हैं पाक सर ज़मीन? हाँ ये देखिए ये यहाँ उधार पिज़्ज़ा खाने आई हैं, इसलिए जो अपना मुँह छुपा रही हैं, ये उधार पिज़्ज़ा खाने आई हैं, तो पैसे बाद में देंगी। इनकी सैलरी नहीं मिली अभी तो ये जो है ये इसलिए मुँह छुपा रही है। और जो है अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दें, हम माइंड नहीं करेंगे। आप भी अपना व्लॉग, भाई एक व्लॉगर बैठी है हमारे साथ, इनका भी चैनल है माहिन वसीम वर्ल्ड, तो इनको भी जाके जो है वो आप लोग देखें, इनके व्लॉग भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सो व्यूअर्स यहाँ जो है वो हफ्सा थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रही थी और 1 2 3 करके जो है वो झूला झूलने की कोशिश कर रही थी दोनों सोफों के दरमियान, लेकिन एकदम से पाँव स्लिप हुआ और ये गिरते गिरते बच गई। और यहाँ ये बच्चियाँ जो हैं वो सेल्फीज़ ले रही हैं, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी तो किसी को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था सेल्फीज़ और पिक्चर्स का। और यहाँ जो है काफ़ी देर हो गई थी हमारे ऑर्डर को, क्योंकि हमने काफ़ी देर पहले ऑर्डर किया था और उससे पहले काफ़ी देर वेटिंग पे हम लोग बैठे हुए थे, तो अब सारे बच्चों को भूख लग रही थी और वो भूख से निडाल हो रहे थे। आपको पता है ईद वाले दिन जो है वो बच्चे थोड़ा सा बोर फील कर रहे थे, तो सब ने चलें प्रोग्राम बना लिया कि चलें पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। तो हमने कहा डिसाइड किया चलें पिज़्ज़ा ही खाते हैं आज थोड़ा सा, क्योंकि ईद के दिन आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें खा खा के वैसे ही थोड़ा सा जो है वो हैवी हो जाता है, तो थोड़ा पिज़्ज़ा खाने का इरादा बना है। पिज़्ज़ा इतना हैवी नहीं होता है, थोड़ा तो लाइट लाइट ही रहता है, इतना ज़्यादा हैवी फूड नहीं कहलाता। यहाँ हफ्सा से भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी अब। हमारा ऑर्डर आ चुका है और ये क्या है, बस ये क्या है? ये भी जंबो है अभी। रास्ते में पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा रास्ते में। हाँ, पिज़्ज़ा रास्ते में ऑन द वे। ठीक है, चलो तो जी। वर्ड हमारा जो है वो ऑर्डर आ चुका है और ये कौन सा आपने ऑर्डर किया था वसीम? क्रीमी सुपर मैक्स, ये क्रीमी सुपर मैक्स पिज़्ज़ा जंबो एंड द अदर वन इज़ आलम इतना है कि ये यहीं पर ही शुरू हो गए हैं और हम। और ये देखें यहाँ जो है हमारी जो है एक और ब्लॉगर हैं वो भी पिज़्ज़ा खा रही हैं, और यहाँ जो है वो हफ्सा पिज़्ज़ा खा रही हैं। ये जो है ये देखिए, ये देखिए मतलब भूख बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है जिसकी वजह से। ये देखिए व्यूअर्स So where's it's our dinner time and we all are doing dinner. यहाँ हमारा डिनर चल रहा है और ये देखिए सब डिनर कर रहे हैं और यहाँ बैठी है मेरे पास हफ्सा। और व्यूअर्स आप आइए और आप भी खाइए और मैं भी स्टार्ट करती हूँ पिज़्ज़ा खाना, वरना ये लोग हमेशा की तरह सब कुछ खा जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी खा रहे हैं ये देखें, कैचअप से आवाज़ बंद हो गई लग रहा है। हाँ कैसा है? अरे हाँ स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या बात है? Thank you.
बताएंगी पिज़्ज़ा कैसा है। हफ्सा, माहिन, माहिन बताएंगी, चले हफ्सा नहीं, माहिन बताएं। सीरियसली व्यूवर्स, पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही यमी था और हो सकता है ईद की जो है वजह से इन्होंने और भी ज़्यादा अच्छी सर्विस रखी हो, लेकिन बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा था और बहुत ही मज़ा आया। और जो है यहाँ यही जो है आइज़क पूछ रहे थे कि पिज़्ज़ा आप लोगों को कैसा लगा, तो मैंने इनको बताया कि सीरियसली बहुत ही यमी टेस्ट था आज के पिज़्ज़े का। और अब जो है वो यहाँ पर काफ़ी देर से इन लोगों ने जो है वो सॉन्ग्स जो है वो स्टॉप किए हुए थे, तो अब जो है वो यहाँ पर म्यूज़िक जो है स्टार्ट हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर करनी पड़ रही है कॉपीराइट की वजह से। और अब यहाँ जो है वो पिज़्ज़ा और उसके साथ जो पिक्चर इन लोगों ने दी हुई थी। अच्छा, ईद की वजह से ना काफ़ी रश था और काफ़ी वो कह रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है ना वो थोड़ी इतनी ज़्यादा चल नहीं थी, लेकिन जो है सो हसाम सर जी भाई, हसाम सर जो है वो हमारे स्पेशली हमारी टेबल पर आए हैं पूछने के लिए कि हमें पिज़्ज़ा कैसे लगा। तो मैं इनको बता रही थी कि आज तक का सबसे बेस्ट टेस्ट है जो कि मैंने ट्राई किया अपनी लाइफ में पिज़्ज़े का, तो आप लोग आइए ट्राई कीजिए पिज़्ज़ा मैक्स। बिल्कुल श्योर, आप लोग विजिट कर सकते हैं हमें, हमारी न्यू अगेन जो है वो रेनोवेशन हुई है और हमारी ब्रांच जो है वो अभी पीक परफॉर्मेंस है, दूसरे ब्रांच भी हैं लेकिन लोकेशन बता दीजिएगा इस ब्रांच की। हमारी जो अभी रिव्यू चल रहे हैं वो बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, आप विजिट कर सकते हैं गार्डन ईस्ट पे लिस्बेला का जो है ये रोड है और यहाँ पर दूसरे ब्रांच भी हैं। तो अगर आपको नियरेस्ट लैंडमार्क आप देखेंगे तो यहाँ पे सुपर मार्केट्स है बाय टाइम के नाम से और उसके ऑपोजिट है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है टेस्ट। फाइनली हमारा डिनर कंप्लीट हो गया था और यहाँ देखें इतना सारा बच गया था और उस तरफ भी काफ़ी सारा पिज़्ज़ा बच गया था, तो हमने वो पार्सल कराया। और यहाँ जो है देखें मेरी प्लेट्स में अभी तक बाकी है। और जो है अब यहाँ पर जो है वो साउंड म्यूज़िक स्टार्ट हो गया था, तो मैंने जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ और कुछ वीडियो में जो है वो म्यूज़िक जहाँ जहाँ आ रहा है मैंने वहाँ वॉइस ओवर किया है। और यहाँ बच्चे जो है देखें डिनर करने के बाद थोड़ा सा एक्टिव हुए थे, तो ये दोबारा जो है वो एंजॉय करने लगे थे। और सर इस बच्चों ने तो एंजॉय किया ही किया है, तो बच्चों के साथ साथ हमने भी काफ़ी एंजॉय कर लिया था। ईद का सेकंड डे जो था वो हमारा पिज़्ज़ा मैक्स में गुजरा। तो आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को कर दिएगा लाइक, चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो व्यूअर्स, अब जो है वो हम घर जा रहे थे और यहाँ काफ़ी मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने। आई होप आप लोग भी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसी तरह ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मिलेंगे आपसे इसी तरह के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।